नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के डिस्कशन में। और आज के डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1813। इससे पहले हम तीन एक्ट डिस्कस कर चुके हैं, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पीट्स इंडिया एक्ट और 1793। ठीक है, इन तीनों एक्ट थे। इन तीनों एक्ट में हमने देखा कि जो ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश सरकार है, कौन है ब्रिटिश सरकार है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर सॉवरनिटी इस्टेब्लिश करने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं इसकी डोमिनेंस, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की डोमिनेंस कम करने का प्रयास शुरू से ही रहा, मतलब कि 1773 के एक्ट से प्रयास रहा। और इसके द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ा दिया जाता है। और कुछ फील्ड में इंडिया में मोनोपोली खत्म कर दी जाती है, कुछ फील्ड को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो हमने बात कही थी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था 1793 के एक्ट के तहत, इसमें और बढ़ा दिया जाता है और इसमें कुछ बातें और की जाती हैं। इसलिए हमारा 1813 का चार्टर एक्ट काफ़ी हमारे महत्वपूर्ण है और एक संवैधानिक विकास की प्रक्रिया से हमको महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमें पढ़ने की आवश्यकता है। तो ब्रिटिश सरकार को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि चार्टर एक्ट 1813 को लाना पड़ा, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, तो इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो एक्ट है, चार्टर एक्ट 1813। इससे पहले हम बैकग्राउंड पढ़ते हैं। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा 18वीं सेंचुरी के शुरुआत में जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, फ्रांस के द्वारा, मतलब कि फ्रांस में थे, उन्होंने बर्नल डिग्री 1806 और मिलन डिग्री 1807 को लेके आए। और इसके अलावा उन्होंने कंटिनेंटल सिस्टम उन्होंने यूरोप में इंस्टॉल कर दिया। कंटिनेंटल सिस्टम का मतलब है कि आप अगर यूरोप का, आप मतलब कि ब्रिटेन यूरोप में है, अगर यूरोप अगर फ्रांस पे डिपेंड है या फिर फ्रांस का एलाई है, तभी जो ब्रिटेन की जो वस्तुएं हैं वो यूरोप में क्या कर पाएंगी, एक्सपोर्ट हो पाएंगी। बात आ गई समझ में? मतलब कि ब्रिटेन अगर फ्रांस का क्या है, डिपेंड है या फिर फ्रांस का एलाई कंट्री है, तभी वो यूरोप में अपनी वस्तुओं को इंपोर्ट कर, एक्सपोर्ट कर सकता था, अन्यथा वो अपनी वस्तुओं को एक्सपोर्ट नहीं कर पाया। तो आपको पता है वर्ल्ड हिस्ट्री में कि इंग्लैंड फ्रांस के अगेंस्ट था और इसके कारण क्या हुआ, कंटिनेंटल सिस्टम के कारण वो यूरोप की कंट्री में अपनी वस्तुओं को एक्सपोर्ट नहीं कर पाया। ठीक है, पहली बात तो ये आपने समझा कि पहला कारण ये था कि कंटिनेंटल सिस्टम नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा लेके आया गया, जिसके कारण वो अपनी वस्तुओं को एक्सपोर्ट यूरोप की कंट्री में इजीली नहीं कर पाया और उसके लिए काफी मुश्किल बना रहा। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उन्होंने कहा कि एशियन कंट्री में हमारे क्या है, एशियन देश हमारे क्या है, उपनिवेश है, तो हमारे एशियन देशों की जो पोर्ट हैं वो खोले जाएं एक्सपोर्ट के लिए, ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने कहा और ब्रिटेन के लोगों ने कहा, ब्रिटेन के पॉलिटिकल लोगों ने कहा, ईस्ट इंडिया लोगों ने कहा। इसके साथ साथ लेजिस्फेयर पॉलिसी आ गई, मतलब कि आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि फ्री ट्रेड की पॉलिसी आ गई, आप ट्रेड को रोक नहीं सकते। तो इन्होंने कहा कि हम ट्रेड को रोक नहीं सकते तो हम यूरोप में ही क्यों करें, हम तो एशिया में जाएंगे। तो इसके कारण इन्होंने एशिया में भी अपना एक्सपोर्ट लेके आए। और लेकिन एशिया में क्या थी, मतलब कि इंडियन जो एशिया के साथ साथ, मतलब एशिया में इंडिया में, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी,
अगर हमें एशियन कंट्री में मतलब कि इंडियन में एक्सपोर्ट करना है अपनी वस्तुओं को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसको खत्म करना पड़ेगा। ऐसा ब्रिटिश सरकार ने सोचा, ऐसा ब्रिटिश के लोगों ने सोचा। ठीक है, इतना बात समझ गए। कंटिनेंटल सिस्टम और लेजिस्फेयर पॉलिसी जो कि एडम स्मिथ के द्वारा लेके आए। ठीक है, अब देखो इसके लिए 1808 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने कमेटी बनाई, और जो इंग्लैंड के जो पूंजीपति लोग थे, उद्योगपति लोग थे, जो ट्रेड करना चाह रहे थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली के अगेंस्ट हो गए। और वो चाहते थे, कुछ लोग क्या चाहते थे, फ्री ट्रेड चाहते थे, और इंग्लैंड के लोग चाहते थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के नागरिकों को सिविलाइज करे, ना कि उनके ऊपर जीत करे। ये तो सब कहने वाली बातें हैं, भारत के लोगों जितना सिविलाइज तो कोई समाज रहा ही नहीं है, ये तो सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने इस पे कहा, जो उन्होंने कहा वो हमने आपको बता दिया। और इसके कारण क्या हुआ, 21 जुलाई 1813 में चार्टर एक्ट 1813 को रॉयल के द्वारा अपनी एंसेंट दे दी गई, मतलब कि महाराजा के द्वारा अपनी एंसेंट मतलब कि अपनी स्वीकृति दे दी गई, पार्लियामेंट के द्वारा पास हो। ठीक है, और इसी के परिप्रेक्ष्य में चार्टर एक्ट 1813 आया। अब जब मोनोपोली खत्म करने की बात हुई तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या कहा कि हम कंपनी की मोनोपोली खत्म कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन इनकी मोनोपोली दो चीजों में रहेगी। अब चाइना में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, चाइना में आप इजीली कर सकते हैं ट्रेड, लेकिन भारत में आपकी मोनोपोली खत्म की जा रही है, केवल एक चीज को छोड़कर आप टी में अपनी मोनोपोली रख सकते हैं, टी के व्यापार में कंपनी मोनोपोली रख सकती है। ऐसा 1813 के एक्ट में कहा। और नेक्स्ट 20 ईयर के लिए कंपनी का जो लाइसेंस था वो रिन्यू कर दिया गया। ठीक है, इस शर्त के साथ। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि 1,00,000 रुपीज भारतीय एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहा गया कि 1813 के एक्ट में कहा गया कि 1,00,000 रुपए हम भारतीय लोगों को शिक्षित करने के बारे में बात करेंगे, और इसमें 1,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं विवाद रहे, वो कौन सा विवाद था आप कमेंट करके बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा कौन सा विवाद था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि 1,00,000 रुपए एजुकेशन सिस्टम के लिए चार्टर एक्ट 1813 में लेके आए। और जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात 1793 के एक्ट में हुई, इसमें और बढ़ा दी गई, कहा कि जो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको 10.5% डिविडेंड रेवेन्यू ऑफ इंडिया से दिया जाएगा, मतलब कि भारत के राजस्व से कंपनी के जो शेयर धारक हैं उनको 10.5% क्या दिया जाएगा, डिविडेंड मतलब कि लाभांश उनको दिया जाएगा, मतलब कि भारत से धन निकासी और हो गई। पहले स्टाफ की सैलरी दे रहे थे, अब डिविडेंड भी देने लगे, तो मतलब कि धन निकासी और हो गई, भारत और गरीब हो गया, भारत के किसान वर्ग और गरीब हो गए, तो भारत की जो पूंजी का अभाव हो गया। ठीक है, तो छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं वो किसानों पे और आश्रित हो गए, तो हमारे इससे कृषि और क्या हो गई, पिछड़ गई। और कहा जो मिशनरी हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज, उनको परमिशन दी गई कि आप इंडिया में आ सकते हैं, अपने रिलीजन को पीच कर सकते हैं, यहीं से धर्मांतरण की शुरुआत हमको देखने को मिलती है। क्योंकि लोगों को तब तक इंग्लैंड की वस्तुओं के प्रति रुचिकर नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उनका धर्म परिवर्तन ना कर दिया जाए। तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है कुछ घटनाएं हुई जहाँ से धर्म ब्रिटिश भारत में हमको धर्म परिवर्तन की घटनाएं देखने को मिली और अपने रिलीजन को पीच करने का मौका यहाँ पे मिला।
कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑन टेरिटरी रेवेन्यू दोनों को मेंटेन करने के सेपरेट अकाउंट बना दिए गए, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन कंपनी की डिफाइन कर दी गई और फर्स्ट टाइम क्राउन की सॉवरेनिटी कंपनी के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट हो गई, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें कुछ याद, हम समरी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई दो चीजों को छोड़कर, कौन कौन सी, चाइना के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मोनोपोली रहेगी, और भारत में आप टी के व्यापार में ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मोनोपोली रहेगी, ठीक है। 10.5% कंपनी के शेयर होल्डर को डिविडेंड की बात की गई, मतलब लाभांश दिया गया, और इंडियन लिटरेचर और साइंस को प्रमोट करने के लिए 1,00,000 रुपए की ग्रांट देने की बात की गई। और कंपनी जो भी कंपनी का जो लाइसेंस था उसको 20 साल के लिए और रिन्यू कर दिया गया। लोकल गवर्नमेंट को, मतलब कि उसकी जुरिसडिक्शन बढ़ गई, ठीक है, और अदर कंपनी भारत में इंटर हो गई, मतलब कि मुक्त व्यापार की अवधारणा पहली बार भारत में 1813 के अधिनियम के अनुसार हमको देखने को मिलती है, और क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में इंटर कर सकती थी अपने रिलीजन को पीच करने के लिए। ये सारी चीज़ें थी, हमने इसमें पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आगे के लेक्चर में हम 1833 का एक्ट पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।